अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप धमाल। आज जो है आपको इंडियन मीडिया की वो रोती हुई शक्लें दिखाएंगे जो भारत हारने के बाद जो है फिर अब उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। यही इंडियन मीडिया और यही इंडिया के बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी जो है पाकिस्तान से मैच से कबल जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हरभजन सिंह का आपने देखा ही था जिस तरह से उन्होंने शोएब अख्तर को कहा था कि शोएब अख्तर आप जो है बेहतर है कि पाकिस्तान से खेलो ही ना और वॉक ओवर दे दो हमें और दो पॉइंट्स हमें दो क्योंकि आपका इंडिया के साथ खेलने का कोई जवाब नहीं बनता। आप दिखाएंगे कि हरभजन सिंह का अब जवाब क्या है, अब वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, काफी मायूस हैं और अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की उसी मुंह से तारीफें करने पर मजबूर है जिस मुंह से वो कह रहे थे कि पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। दूसरी जानिब आकाश चोपड़ा का भी आपको दुख आप तक पहुंचाएंगे जिस तरह से वो दुखी अंदाज में गाना गाते हुए हमें नजर आए हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बताते चले हमेशा पाकिस्तान से मैच होता है तो भारत बड़े बोल बोलता है जिस तरह से पहले इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़े बोल बोले थे उसके बाद फिर इन्हें शिकस्त हुई थी। जिस तरह से सहवाग और दूसरे प्लेयर्स ने बातें की थी, हरभजन सिंह ने भी उस वक्त भी बातें की थी और इस बार भी बातें की और फिर मुंह की खाना पड़ी। तो इसलिए ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए जिनका बाद में आप कोई आपके पास जवाब ना हो। तो क्या कहा था हरभजन सिंह ने पहले वो सुने फिर आप साथ सुने कि अब हरभजन सिंह और इंडियन मीडिया पाकिस्तानी प्लेयर्स खास करके शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से क्या अपनी राय रखते हैं और साथ ही फिर आप आकाश चोपड़ा की जो वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे। वही उनकी कमजोरी पर पकड़े तार पकड़ ली हुई अनबिलीवेबल। कहते हैं ना कि प्लान करके आए और उसको जिस लिहाज से एग्जीक्यूट किया वो और भी बेहतर। मतलब ऐसा बॉल जो रोहित शर्मा का पहला ही बॉल, ऐसा लगा कि उनके पास नॉर्मली बहुत टाइम होता है बॉल खेलने के, पर इस पेस के ऊपर बॉल डाला कि उनके पास टाइम ही नहीं था रिएक्ट करने का। जब तक रिएक्ट करें बॉल लग के पैड पे निकल चुका था। और सेम केएल राहुल का वो बॉल, ऐसा बॉल पूरे आईपीएल में नहीं हुआ, किसी का बॉल पढ़ने के बाद ऐसा कटा नहीं अंदर की तरफ। और ये दर्शाता है कि उनके पास वो धार है, कला है और क्रेडिट टू हिम टू यू नो गेट दोस टू इम्पोर्टेंट विकेट्स फॉर पाकिस्तान। और वहीं से थोड़ा सा ना बैकबोन जो है थोड़ी सी टूट गई थी। तो ये थी हरभजन सिंह की वो बातें जो इन्होंने शाहीन शाह आफरीदी के लिए की हैं। तो अब इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि वो एक अच्छे जो है एनालिस्ट हैं और एक अच्छे एनालिसिस करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले वो एज अ न्यूट्रल फैन होकर, इंडियन फैन होकर जो है, इंडियन प्लेयर होकर बात करते थे, अब वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और साथ अब आकाश चोपड़ा के रोने वाली वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन बात देख सकते हैं। क्या से क्या हो गया बेवफा। आ गए आप, क्या हो गया यार, हार गए मैच भाई साहब। यस वो कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोस आने वाले दिन में अपलोड करूं वो आप तक किसी तरह जल्द अज जल्द पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।